जेपी सीमेंट कारखाने में कार्यरत समस्त श्रमिकों एवं विधवा महिला श्रमिकों को काम पर वापस लेने, श्रमिक नेताओं का किया जा रहा स्थानांतरण वापस लेने, सीमेंट मजदूर एकता यूनियन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। सीमेंट मजदूर एकता यूनियन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की जेपी प्रबंधन अवहेलना कर बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छीनने, लॉकडाउन की अवधि का वेतन भुगतान न करने और यूनियन के नेतृत्व व आम श्रमिकों पर दमनात्मक नजरिए से मनमानी कर श्रमिकों व उनके परिजनों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की साजिश जेपी रीवा सीमेंट तथा हैवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में की जा रही है। इस संबंध में सीडू से संबंध सीमेंट मजदूर एकता यूनियन व इंजीनियरिंग व फाउंडरी मजदूर एकता यूनियन अनुशासित रहकर वैधानिक तरीके से जिला प्रशासन के समक्ष अपनी समस्या रख श्रमिकों व उद्योग के हित में अपनी भूमिका निभा रही है। पूरा मामला क्या है, आइए दिखाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। आप सारे लोगों को पता है कि पिछले 4 महीने से जो है वो जेपी के का जो कारखाना है वहाँ पर मजदूरों का की समस्या चल रही है। उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद से ये था कि सारे मजदूरों को काम पर रख लेंगे। लगातार हम लोग कलेक्टर साहब को और यहाँ के प्रशासन को वहाँ की स्थिति से अवगत करा रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने जो है 450 वर्कर आज भी काम से बाहर हैं। और आप सारे लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अमानवीय जो कंपनी की ओर से व्यवहार किया जा रहा है कि ये जो विधवा महिलाएं हैं जिनके पतियों ने उस कारखाने के अंदर सेवा देते हुए जिनकी मौत हो गई, वो उसके आधार पर उन्हें कारखाने के अंदर नौकरी मिली है, वो उनको 4-4 महीने से जो है ना तनख्वाह मिल रही ना काम मिल रहा है। ये इतना असंवेदनशील और क्रूर प्रबंधन है कि इन महिलाओं तक को काम पर नहीं रख रहा है। इनकी सैलरी के बारे में आप सुनेंगे तो और आश्चर्य करेंगे। इनको किसी को 8,000 मिलता है, किसी को 7,000 मिलता है, इसमें ये परिवार चला रही, इनको भी कंपनी के अंदर नहीं रखा जा रहा है। तो आज हम लोग कलेक्टर साहब से यही कहने, वो तो लगातार यही कह रहा है प्रशासन के, वो हम कोशिश कर रहे हैं। आज तो हमने साफ तौर पर प्रशासन को इस बात के लिए कह दिया है कि ये 2-3-4 दिन के अंदर हमारे जो लोग बाहर हैं उन्हें आपने कारखाने के अंदर सबको अंदर नहीं रखवाया, चाहे वो ठेका वर्कर्स हो चाहे परमानेंट। और जो लोगों का स्थानांतरण किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, किसी का भूटान किया जा रहा है, किसी का चुर्क किया जा रहा है, किसी का चुनार किया जा रहा है, है ना, तो ऐसी हालात में जो है उनके ट्रांसफ़र निरस्त किए जाएँ। और ये सब चीज़ें नहीं होती तो हम 3-4 दिन के बाद जो है पूरे कारखाने के अंदर हड़ताल पर जाएंगे। हाँ, उससे कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम लोग लगातार शांतिप्रिय तरीके से अनुशासित तरीके से ये चाहते हैं कि इनकी जो वाजिब मांगे हैं मजदूरों की, वो वाजिब मांगों का समाधान निकाला जाए प्रशासन की पहल से। पर प्रशासन की ओर से अभी तक उस तरीके की कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। 100-200 लोगों को रख लिया है, बाकी लोग अभी भी बाहर हैं। तो आज हम लोगों ने कहा कि इन महिलाओं को, मुख्य रूप से जो विधवा महिलाएं हैं, इनको कल से ही काम पर वापस लिया जाए और बाकी मजदूरों को भी काम पर वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग जो है हड़ताल पर जाएंगे। सीमेंट वर्कर यूनियन के द्वारा सीटू के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। गिरजय सिंह बघेल उनके जो संभागीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन दो दिए गए हैं। पहला ज्ञापन एक विधवा महिला के नाम पर दिया गया है कि अनुकंपा नियुक्तियों को नहीं मिल रही है और साथ में उनको रहने की भी जगह नहीं है, उससे संबंधित ज्ञापन दिया गया है। और दूसरा ज्ञापन वहाँ पर ये दिया गया है कि जिन कर्मचारियों को कोरोना या लॉकडाउन लगने से पहले रखा गया था, होल्ड पर रखा गया था, सारे लेबर्स को वापस नहीं लिया गया है। प्रबंधन से बात हुई थी हमारी, प्रबंधन का कहना यह कि हम धीरे धीरे करके सारे लेबर्स को वापस ले रहे हैं, उसी के संबंध में दूसरा ज्ञापन दिया गया है। जेपी प्रबंधन से बात करके इस ज्ञापनों पर चर्चा की जाएगी।